के जो आया इसे समझ में भी आ गई होगी, तो ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं कि आपको रेफ्रिजरेटर लेना है या एसी लेना है, कुछ भी आप बाजार में गए तो आप वहाँ पे कहते हो कि मुझे 2 टन का एसी चाहिए या इतना लीटर का हमको रेफ्रिजरेटर चाहिए। लेकिन जो लीटर जो है वो डिस्का जो लीटर की आप बात कर रहे हो, जो लीटर डिसाइड करता है कि आपका उसके अंदर कितना जो भी आप सामान रखते हो, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स एंड फूड वगैरह जो भी आपका कितना सबका लीटर से वो डिसाइड करता है। लेकिन जो कूलिंग कैपेसिटी है कि वो कितना जल्दी कितना सामान वो ठंडा कर सकता है या उसका टेम्परेचर लो ला सकता है, वो आपका सिर्फ लीटर से वो डिस्कस नहीं होगा, वो तो बताता है कि आपका कितना सामान इसके अंदर आ सकता है। तो इसके लिए कूलिंग कैपेसिटी के लिए आपको चाहिए कि उसके यूनिट आप क्या डिसाइड यूनिट क्या है उसके लिए कूलिंग कैपेसिटी के लिए या यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या, तो वो हम टन में डिसाइड करते हैं, इसको TR भी लिख सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो मान लो हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन क्या होगी। तो आपके पास मान लो वाटर है 0 डिग्री C पे, वाटर कितना है 0 डिग्री C पे, 1000 kg आपका वाटर है, मतलब 1 टन वाटर है। उसको आपको 24 आवर्स में आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री C पे, और आपका जो है क्वांटिटी तो आपका 1000 kg रहेगा उसका वाटर का, लेकिन उसको हमको 24 घंटे में हमको आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री C पे, और वाटर कितने पे था 0 डिग्री C पे ही था। तो जो हमको आइस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमको उससे निकालनी पड़ेगी वो होगा 1 टन, और यही आपकी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है। अगर आप इसको दोबारा एक बार देखा है तो दोबारा डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास है वाटर है, पानी है 0 डिग्री C पे, 1000 किलो पानी है, ठीक है। उसको आपको मैं उसको 24 घंटे में आपको कन्वर्ट करना है आइस में 0 डिग्री C पे, 1000 किलो रहेगा वो, तो आइस में कन्वर्ट करना है आपको। तो उसके लिए आपको 24 घंटे में कितनी हीट आपसे उससे रिजेक्ट करोगे उससे निकालोगे उसको बोलते हैं हम यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल निकालने की जरूरत है, फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री C इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन टू आइस एट 0 डिग्री C इन 24 आवर्स इज सेड टू बी 1 टन। तो हमने जो 1 टन का लिखा है तो इसका जो आती है अमाउंट आती है 3.5 किलोवाट किलो जूल पर सेकेंड, या 210 किलो जूल पर मिनट, या 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो इसको हम ये आपका फॉर्मूला आया है, एक्चुअली एक ड्राइव करके आया फॉर्मूला, तो इसको हम निकाल सकते हैं कि मान लो जैसे लेटेंट हीट ऑफ वाटर की होती है 335 किलो जूल पर kg। तो इसको हमने हमको ये जो है 1000 kg जो वाटर है इसको करना है हमको कन्वर्ट, तो ये आपको 1000 kg हो गया। उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया इसको 24 × 36, जो सेकेंड में कन्वर्ट किया 24 आवर को, तो इसके बाद हमारा ये आ जाएगा 3.5 किलोवाट, ये आ जाएगा हमारा। तो ये आई थिंक सबको क्लियर होगा, और हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे आपके COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पे और हीट पंप की COP पे, वर्क इनपुट कितना मिल रहा है, हम वर्क इनपुट कितना देना पड़ रहा है हमको, ये सब कुछ कुछ बेसिक बेसिक हम डिस्कस करेंगे, हम बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके।